सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो 1 जुलाई से होने वाले हैं कई सारे बदलाव जिसका असर आम नागरिकों पर, हम पर और आप पर पड़ेगा, हमारी जेब पर पड़ेगा। 1 जुलाई से क्या सस्ता हो रहा है, क्या महंगा हो रहा है, अगर आप फोन वगैरह चलाते हैं तो सिम के बारे में एक नई जानकारी 1 जुलाई से लागू हो रही है। वहीं पर दोस्तों 3 जुलाई यानी कि नए महीने में आपको रिचार्ज में पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। जियो हुआ या एयरटेल हुआ या VI हुआ, सभी लोगों के रिचार्ज महंगे हो गए हैं। और साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर बड़ा अपडेट है। 1 जुलाई से गैस सिलेंडर के दाम हुए या पेट्रोल डीजल दाम हुए, और साथ ही वृद्धावस्था पेंशन हुई, तमाम जानकारी है दोस्तों जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं। कई सारे बदलाव हो रहे हैं, इसके साथ ही 1 जुलाई से 3 नए कानून भी बन गए हैं। 10 पॉइंट में इसको भी समझेंगे। आइए फटाफट से जान लेते हैं आज का पूरा अपडेट, बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1 जुलाई से जो 10 बदलाव हो रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक भी अगर आप मिस कर गए तो आपको नुकसान हो सकता है। क्रेडिट कार्ड के नए नियम बन गए हैं। अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है तो आपको बताते चले कि RBI ने क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय संस्थाओं की समीक्षा करते हुए स्वीकृति के बाद कुछ बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर बिना स्वीकृति शुल्क नहीं लगेगा। वही GST कानून में दोस्तों बड़ा बदलाव हुआ है। GST कानून से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए बताया गया है जिसका लाभ व्यापारी को होगा। देखिए ITC पर लगने वाला ब्याज जो 18% था उसे घटाकर 12% कर दिया गया है। नए नियम के परिणाम स्वरूप कोई भी गलती होने पर वित्तीय बोझ नहीं ज्यादा पड़ेगा। इसके अलावा GST का जो 3B फॉर्म था बदलाव होने जा रहा है। इस फॉर्म को अब यूजर के अनुसार बनाया गया है, इससे गलतियों की संभावना कम होगी और 1 जुलाई से लागू होगा। तो वहीं पर BNS सिस्टम में नया फीचर आ गया है। ट्रैकिंग को सुगम और आसान बनाने के लिए BNS सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के तहत अभी सरकारी काम दस्तावेजों को एक नया यूनिक ID नंबर दिया जाएगा। इससे सरकारी दफ्तरों में, अन्य सेवाओं में भुगतान में मददगार साबित हो जाएगा। दोस्तों रेलवे रिजर्वेशन से जुड़े नियमों में बदलाव हो गया है। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग और कंफर्मेशन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई से यात्री अपने सीट पर बैठे बैठे ही बुकिंग कर पाएंगे, साथ ही टिकट को रद्द और फिर से प्राप्त कर पाएंगे। इतना ही नहीं, कई नई सुविधाओं का लाभ भी इनको मिलेगा, यानी कि रेलवे रिजर्वेशन से जुड़ा ये अहम बदलाव हुआ है। देखिए बात कर ले सबसे पहले बड़ी खबर की, तो मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल सस्ता हो जाएगा। 70 रुपए तक सस्ता मिलेगा, आप इसको खरीद भी सकते हैं। जुलाई में ही इसका बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। खरीदारी से पहले हम आपको कुछ शहरों के सरसों के तेल का रेट बता देते हैं। आजमगढ़ में सरसों का तेल बहुत सस्ता है, सरसों का तेल खरीदारी कुल 145 रुपए में आप कर पाएंगे। वही गाजीपुर में सरसों का तेल 144 रुपए का मिलेगा। इसके साथ ही बलिया में सरसों का तेल 143 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इटावा में सरसों का तेल 146 रुपए का, पीलीभीत में 145 रुपए का मिलेगा। दोस्तों आपको बताते चले सबसे सस्ता तेल लखीमपुर खीरी में है, 140 रुपए का। यानी साल 2020 और 2021 के बाद अभी 2024 में सरसों के तेल में 70 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल रही है। वही फायदे की डील जान लीजिए, सिर्फ 1.5 साल की FD आप कराइएगा, इसी जुलाई में लगभग 7.20% तक का आपको ब्याज मिल जाएगा। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपका पैसा बढ़कर मिलेगा। अगर आप उन निवेशकों में से हैं जो FD करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, जुलाई में बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल एक्सिस बैंक हुआ या कई अन्य बैंक हुए अपने FD रेट में बदलाव किए हैं। वही सीनियर सिटीजन को 7.85% तक का ब्याज मिलेगा और सामान्य नागरिकों को, हमको और आपको 7.20% तक का ब्याज मिलेगा एक्सिस बैंक में। बाकी SBI वगैरह में भी यही रेट चल रहा है, तो आप FD करा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 दिन से लेकर 29 दिन तक कितना FD पर आपको रेट मिलेगा। वहीं पर अगर आप अधिक समय के लिए FD कराते हैं तो सबसे ज्यादा ब्याज उसी पर मिल रहा है, तो आप FD कराकर अपने पैसे को 2x-4x कर सकते हैं। दोस्तों 1 जुलाई से पूर्व उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत कर देगी, लागू हो जाएगा नया नियम, जानिए उनके बारे में। दोस्तों 1 जुलाई से देश के नए आपराधिक कानून में बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में आबादी सबसे अधिक है और यहाँ पर आपराधिक मुकदमों की संख्या भी सर्वाधिक है, इसलिए नए कानून का सबसे अधिक लाभ भी उत्तर प्रदेश वालों को ही मिलेगा। फिलहाल LPG सिलेंडर की कीमत में बड़ा बदलाव होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि 1 जुलाई को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ था और इस बार घरेलू गैस सिलेंडर लगभग 50 रुपए तक सस्ता होगा। आप बताते चले पेट्रोल और डीजल के दाम भी काफी कम हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि 20 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। इसका कारण यह है कि पेट्रोल और डीजल को वित्त मंत्री GST के दायरे में लाने जा रही है। GST के दायरे में लाने पर सीधे लगभग 15-20 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते हो जाएंगे, लेकिन 1 जुलाई के बाद ये कभी भी लागू हो सकता है। वही दोस्तों ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले हो जाए सावधान, क्योंकि 1 जुलाई से एक्सप्रेसवे पर शुरू हो जाएगा स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम। भारत में हर साल बड़ी संख्या में लोग यातायात के नियमों को तोड़ते हैं जिसके कारण हादसे भी होते हैं। इन हादसों के कारण हजारों लोगों की मौत होती है, लेकिन 1 जुलाई 2024 से देश में एक एक्सप्रेसवे पर ITMS शुरू किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह काम शुरू हो चुका है और इसकी क्या खासियत होगी इसको समझ लीजिए। सरकार और प्रशासन लगातार सड़क पर होने वाले हादसों को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही सड़क पर यातायात नियमों को तोड़ने वालों की भी सख्ती की जाएगी।
इसी क्रम में देश के एक एक्सप्रेसवे पर 1 जुलाई 2024 से इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS शुरू होगा। देखिए बेंगलुरु में ये लॉन्च कर दिया गया है। अब 50 प्रमुख जंक्शन पर 250 ऑटोमेटिक नंबर प्लेट की पहचान करने वाले कैमरे पर 80 RLVD कैमरे लगाए गए हैं। अब इस सिस्टम को विस्तार मैसूर तक कर दिया गया है। वही 1 जुलाई से आधार की तर्ज पर बनेंगे किसान कार्ड। आपको बताते चले कि इसी के जरिए अब किसान निधि मिलेगी। प्रदेश में आधार कार्ड की तर्ज पर किसान कार्ड बनाया जाएगा और इसे 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। किसान रजिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है। आपको बताते चले किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा, खसरा नंबर, इन सभी का विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके बाद एक किसान नंबर जारी होगा। इस नंबर के जरिए ही किसान का पूरा विवरण मिल सकेगा। रजिस्ट्री का कार्य पूरा होने के बाद किसान कार्ड बनाया जाएगा। रजिस्ट्री से मिलने वाले नंबर के जरिए ही दिसंबर से पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। यानी कि ये कार्ड होना जरूरी है, तभी किसान निधि मिलेगी। और इस बार के बजट में एक्सपर्ट बता रहे हैं कि किसान निधि जो है वो 8,000 हो जाएगी। जो 6,000 हर साल मिलता है वो अब किस्त में 8,000 रुपए तक मिलेगा। वही दोस्तों, नंबर के साथ दिखेगा कॉल करने वालों का नाम भी, जल्द शुरू होने वाला है ये फ्री कॉलर ID डिस्प्ले सर्विस। दोस्तों 1 जुलाई से ये भी शुरू होगा। अब फोन पर अनजान नंबर कॉल आने पर कॉलर का नाम दिखाई पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा में इसको शुरू भी कर दिया है। देखिए अभी ऐसा करने के लिए ऐप की मदद लेनी पड़ती है। अभी तक मोबाइल यूजर को ट्रू कॉलर जैसी ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता था किसी भी कॉल को आने पर उसका नाम चेक करने के लिए। लेकिन दोस्तों अब ये सारी चीजें खत्म होने वाली है। मतलब जो सिम आप लिए हैं KYC करते समय उसी व्यक्ति का नाम दिखेगा और आपका नाम दिखने वाला है। अगर आप किसी को फोन करेंगे तो आपका नंबर अगर वो सेव किया है या नहीं किया है फिर भी आपका नाम दिखेगा जो आप KYC के समय कराए होंगे। वही दोस्तों बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आयुष्मान योजना में 70 साल तक के लोगों का फ्री इलाज होगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा को संबोधित करते हुए देश के बुजुर्गों को बड़ी खुशखबरी दी है। आपको बताते चले कि 1 जुलाई से 70 साल की उम्र पार कर चुके सभी बुजुर्गों का इलाज आयुष्मान योजना से होगा। यानी चाहे वो गरीब हो अमीर हो सभी को फ्री इलाज मिलेगा। किसानों को 20,000 करोड़ का ट्रांसफर करने के साथ ही किसानों को ज्यादा आत्मनिर्भर भी फिलहाल बनाया गया है। लेकिन अब बुजुर्गों को भी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ये सरकार का मैनिफेस्टो था, केंद्र सरकार का, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। 1 जुलाई से ही लागू हो जाएगा। वही 9 जुलाई से 15 जुलाई तक अब शादी का लगन भी शुरू हो जाएगा। यानी जुलाई में जो सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है वो शादी विवाह का कार्य शुरू होने का है। मई जून में कहीं पर भी शादी विवाह नहीं हुआ क्योंकि अच्छे योग नहीं थे। सूर्य शुक्र राशि में जाने से मई और जून में एक भी शुभ मुहूर्त नहीं रहा। लेकिन जुलाई में अब शहनाई बजेगी। लेकिन इस महीने में लगन की तिथियां महज 7 दिन की हैं। जुलाई में तय शादियों की तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। आपको बताते चले कि जुलाई में शुक्ल पक्ष में 9 से 15 जुलाई तक केवल 7 लगन है। 17 जुलाई को एकादशी से फिर से लगन पर विराम लग जाएगा। 9, 11, 12, 13, 14 और 15 को शादी विवाह होगा। वही दोस्तों जुलाई से रोटी महंगी हो सकती है, आटा महंगा हो सकता है, यानी कि गेहूं महंगा हो रहा है, महंगा हो जाएगा आटा। देश में घट रहा है गेहूं का भंडार। आपको बताते चले कि गोदामों में गेहूं का भंडार 16 साल के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। इसकी वजह से आने वाले समय में आटा महंगा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि महज 15 दिनों में लगभग 13% तक आटा महंगा होगा और गेहूं की खरीद भी महंगी हो जाएगी। सरकारी गोदामों में गेहूं के भंडार लगातार घट रहे हैं। हालात यह है कि गोदामों में गेहूं का भंडार सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। गरीब की थाली पर इस बार रोटी और गेहूं दोनों महंगा होने वाला है। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि राशन कार्ड धारकों को 1 जुलाई से राशन मिलना बंद हो जाएगा। आपको बता दें 30 जून तक आपको ये काम करना है। EKYC जाकर करा लीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। EKYC अनिवार्य है, 30 जून से पहले करवाना होगा। पॉस मशीन में आपको फिंगरप्रिंट लगाकर EKYC करानी होगी। KYC नहीं कराने पर जुलाई से राशन नहीं मिलेगा। कोटेदार के पास जाना होगा। ईपॉस मशीन से कार्ड धारकों की EKYC होगी। मोबाइल नंबर भी अपडेट किया जाएगा। आधार कार्ड लेकर जाइएगा। जिस यूनिट का EKYC नहीं होगा उसका यूनिट ब्लॉक हो जाएगा। और साथ ही जो उपभोक्ता पढ़ाई या रोजगार के लिए बाहर गए हुए हैं, घर या गांव से दूर हैं, वह प्रदेश के अपने नजदीकी किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर EKYC करा सकते हैं। मतलब कराना तो पड़ेगा ही, वरना आपका राशन और राशन कार्ड दोनों बंद हो जाएगा। वही दोस्तों 1 जुलाई से देश भर में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव। आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा जरा इसको समझिएगा, क्योंकि दोस्तों नए नियम में कई सारे बदलाव हुए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन सामने आ गई है। आयकर विभाग ने 2023-24 वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की है। मतलब कि नया महीना आपके लिए काफी कामकाजी वाला होगा। ऐसे में आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा। आखिरी दिन होने वाली हड़बड़ी से बचने के लिए अभी ही टैक्स फाइलिंग आप कर दीजिए। 31 जुलाई की लास्ट तारीख बताई गई है। वही पेटीएम पेमेंट बैंक का एक्विडिट वॉलेट बंद हो जाएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक ने बताया है कि 20 जुलाई 2024 को उन एक्टिविटी वॉलेट को बंद कर दिया जाएगा जिनमें पिछले एक साल या उससे ज्यादा समय से कोई लेन देन नहीं हुआ और जिनमें बैलेंस जीरो है, और 30 दिन पहले ये जानकारी दे दी गई है।
1 जुलाई से गाड़ी खरीदना फिलहाल दोस्तों महंगा हो जाएगा। टाटा मोटर्स ने 1 जुलाई से अपने कॉमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। ये बढ़ोतरी बढ़ती हुई सामानों की कीमतों को कवर करने के लिए की जा रही है। भारत की सबसे बड़ी वाहन बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने इससे पहले मार्च में भी अपने कॉमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% का इजाफा किया था। कंपनी का कहना है कि ये बढ़ोतरी सभी तरह के कॉमर्शियल वाहनों पर होगा, लेकिन अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। वही दोस्तों आपको बताते चले, हीरो मोटोकार्प ने भी अपने चुनिंदा स्कूटर और मोटरसाइकिल मॉडल की कीमतों में 1 जुलाई 2024 से 1500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। वही दोस्तों जुलाई में 12 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा जारी बैंक ऑफ हॉलीडे के अनुसार इस बार जुलाई में 12 दिनों तक बैंक बंद होने वाला है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह की जयंती होगी और मुहर्रम भी शामिल है। अलग अलग राज्यों में होने वाले त्योहारों की छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां मिला ली जाए तो इस बार जुलाई में कुल 12 दिनों तक बैंक बंद होगा। और जुलाई में ही आम बजट पेश होगा, जिसमें हमने आपको बताया है कि बजट में इस बार 8000 रुपए की सान निधि हो जाएगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा, जुलाई के आखिरी सप्ताह में पेश होगा और रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 22 जुलाई तक इसको पेश करेंगी। ये यूनियन बजट होगा। इसी बजट से सरकार अगले 5 साल तक कार्य करेगी, जिसमें बताया जा रहा है कि किसान निधि भी शामिल है। वही 1 जुलाई से बदल जाएगा सिम कार्ड का नियम, नहीं कर पाएंगे ये जरूरी काम एयरटेल जियो वोडा, सभी लोग इसका ध्यान जरूर दें। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर नियम में बदलाव हो गया है। अब सिम चोरी होने या डैमेज होने के केस में 7 दिन तक नया सिम नहीं ले पाएंगे। हालांकि इससे पहले ऐसा कोई नियम नहीं था और आप तुरंत सिम कार्ड ले पाते थे, सेम नंबर पर खरीद लेते थे, लेकिन दोस्तों अब इसमें बदलाव हो गया है। अगर आपका सिम खो भी जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आप सिम स्वैप नहीं कर पाएंगे। 1 जुलाई से बदल जाएगा सिम कार्ड का नियम, नहीं कर पाएंगे, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, वोडा हो, ये नियम आप जरूर जान लीजिए। देखिए, गलत तरीके से सिम खरीदा तो 50 लाख का जुर्माना भी लगेगा, 3 साल की सजा होगी। नए टेलीकॉम कानून में क्या बदला है इसको भी आप समझ लीजिए। 26 जून को ही ये लागू हो चुका है, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। अब भारत का कोई भी नागरिक यानी हम और आप कभी भी अपने पूरे जीवन भर में 9 से ज्यादा सिम नहीं ले पाएंगे। अगर इससे ज्यादा सिम लेते हैं तो जुर्माना लगेगा। गलत तरीकों से अगर सिम कोई लेता है तो 3 साल की जेल होगी, 50 लाख का जुर्माना लगेगा। नया कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के कारण लिया गया है। टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेक ओवर करने के लिए किया गया है। अब जान लीजिए कि 8 बड़ी बातें इसके। अब कोई एक भारतीय 9 सिम कार्ड से ज्यादा नहीं ले सकता। 9 से ज्यादा सिम लेने पर 50,000 रुपए या फिर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। फर्जी तरीके से सिम लेंगे तो 50 लाख का जुर्माना, 3 साल की जेल होगी। इमरजेंसी के समय सरकार कभी भी टेलीकॉम सर्विस को सस्पेंड कर सकती है। इमरजेंसी के समय मैसेज के प्रसार को रोक सकती है। प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति लेनी होगी और पुराने सभी टेलीकॉम कानून को समाप्त किया जाएगा। वहीं पर तुरंत मिल जाएगा न्याय, क्योंकि 1 जुलाई से देश में लागू हो रहे हैं 3 नए कानून। 10 पॉइंट में फटाफट समझ लीजिए कि क्या क्या बदल जाएगा। देखिए, पीड़ित को 90 दिन के भीतर मुकदमे की प्रगति जानने का अधिकार होगा। देखिए, नए नियम में होगा क्या, विदेश में रहकर अथवा रहने वाले व्यक्ति को यदि कोई घटना कराता है तो वह भी आरोपी बनेगा। अपराध में किसी बालक को शामिल कराने वालों को 3 से 10 साल तक की सजा की व्यवस्था की गई है। 5 या उससे अधिक व्यक्तियों को भीड़ द्वारा मूल वंश, जाति, समुदाय या लिंग के अनुसार किसी भी व्यक्ति की हत्या पर आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड की सजा होगी। राजद्रोह के स्थान पर भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता के खतरे में डालने वालों को धारा 152 के तहत दंडनीय बनाया गया है। चोरी 1 से अधिक बार करने वालों को 5 वर्ष तक की कारावास होगा। FIR के प्रति अब सूचनादाता के साथ साथ पीड़ित को भी मुफ्त में मिलेगा। वही दोस्तों, जियो का रिचार्ज 25% तक महंगा हो गया है। 239 रुपए वाला 299 मिलेगा, 3 जुलाई से ये लागू हो जाएगा, यानी जुलाई में आपका रिचार्ज भी महंगा हो गया है। अब आप यहाँ पे 666 वाला रिचार्ज देख सकते हैं, जो 799 का मिलेगा। बाकी आप जो मौजूदा प्राइस है 155 वो 189 का हो गया है, 209 वाला 249 का हो गया है, 239 वाला 299 का हो गया है। सभी कंपनियों ने अपने जो रिचार्ज की सेवा है उसको 20% तक महंगा किया है। तो ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी जो बदलाव कर दिया गया है, जिससे हम पर और आप पर काफी असर पड़ेगा। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वैसे कोई अपडेट छूट गया होगा तो आपको और भी बता दिया जाएगा डेली न्यूज में। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, धन्यवाद।